सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं बाय डोंट बाय। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई स्मार्ट ब्रेसलेट प्रोडक्ट, D20 स्मार्ट ब्रेसलेट। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, स्मार्ट ब्रेसलेट योर हेल्थ स्टोर्ड। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के अंदर इसके अंदर डायल है, डायल जो है 1.3 240 12 पिन, और फिर डेटा ट्रांसफ़र, फिर इसके अंदर दीगर डेटा सेव टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपर आप देख सकते हैं इसके अंदर। स्ट्रैप मटेरियल और इसकी ए टू जेड सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर हम इसमें देख सकते हैं कॉल नोटिफिकेशंस वगैरह, स्टेप काउंटर वगैरह, हार्ट बीट वगैरह, कैलोरीज वगैरह और ब्लड प्रेशर वगैरह। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर जब हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक गाइड बुक आती है, और ये इसकी गाइड बुक है। एक साइड पर चाइनीज़ होती है और एक साइड के ऊपर इसमें इंग्लिश होती है। ये इंग्लिश वाली साइड है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये QR कोड है। इसकी एप्लीकेशन QR कोड को स्कैन करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर एप्लीकेशन लिखी हुई भी है। इसकी एप्लीकेशन का नाम है हैरीफाइन एप्लीकेशन। हम बात कर लेते हैं इसके कलर्स की। इसके अंदर एक वाइट कलर है, इसके अंदर एक ब्लैक कलर और एक इसके अंदर पीच कलर है। ये इसका पीच कलर है, ये इसका ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो चार्जिंग ये इस तरीके से चार्ज होती है। ये इसके ऊपर दो पिन लगी हुई है। हम इसको अडॉप्टर में इस तरीके से लगाएंगे, ये पिन इसमें लगाएंगे तो ये चार्ज करना शुरू हो जाएगी। इन केस अब कुछ कस्टमर्स हैं वो इसको उल्टा लगाते हैं जिसकी वजह से चार्ज नहीं होती, तो आपने इस पिन को दोनों साइड लगा के देखना है, चार्ज हो जाएगी। उसके बाद इसके बेल्ट की बात कर लेते हैं। बेल्ट इसके आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं बेल्ट भी। और ये एक बेल्ट जो इसका ऊपर वाला है ये ऐसे लगेगा इसके अंदर, और जो एक और ये बेल्ट है ये भी इसी तरीके से इसके अंदर लगेगा। अब कुछ कस्टमर कहते हैं कि बेल्ट उल्टा लगा है, बेल्ट उल्टा नहीं लगा, दरअसल ये इस तरीके से अंदर जाके पिन में ऑफ हो जाती है। इसी तरीके से ये इसका वाइट कलर है, आप इसका वाइट कलर भी चेक कर सकते हैं। ये भी इसी तरीके से पिन के अंदर बेल्ट लगेंगे, और बेल्ट लगने के बाद आप ये देखें इसमें ये लग जाएगा, और ये इसका वाइट कलर है। वाइट में जो डायल है वो इसका सिल्वर कलर का है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये इसका पिंक कलर है, पिंक कलर में भी आप चेक कर सकते हैं डायल इसका, और ये इसके बेल्ट, ये इस तरीके से नॉर्मली। और बेल्ट आप बार बार निकालें कोई इशू नहीं होता, उससे चार्जिंग पिन इसकी ख़राब नहीं होगी। हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। ये इसके फंक्शंस है आपके सामने, हम आपको दिखा देते हैं। एक इसके अंदर ये डिस्प्ले है, और डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट दिखा रहा है, और स्टेप भी आपको चेक करा रहा है, और ये डे भी बता रहा है, और ये मंथ भी बता रहा है, और डेट भी, और फिर ये टाइम भी। फिर इसके बाद हम इसके स्टेप की बात कर लेते हैं। ये स्टेप भी काउंट करता है, जब हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये स्टेप काउंट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जब हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। इसको जब हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लड प्रेशर भी काउंट करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब हम ब्लड प्रेशर के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ग्रीन लाइट ये जला रहा है। फिर हम इसके आगे जाते हैं और इसके स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये रन का इसके अंदर एक ऑप्शन है, एक इसके अंदर स्किप का ऑप्शन है, और एक इसके अंदर सेटअप का ऑप्शन है। जब हम इसको बैक करते हैं, हम आगे जाते हैं, तो इसमें मैसेज नोटिफिकेशन, अगर हमने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद जो हमारे मोबाइल के मैसेजेस वगैरह होंगे वो इसके ऊपर प्रॉपर नोटिफाइड होते रहेंगे। हम मैसेजेस के बैक जाएंगे, इसके बाद हम आगे मैसेजेस पे थे। मैसेजेस हम इसके मोर में जाते हैं, तो मोर पे जब हम क्लिक करके रखेंगे तो आप देखते हैं इसमें कैमरा का ऑप्शन है। फिर इसके अंदर एक लुकिंग फॉर, मतलब हम यहाँ से डिवाइस फाउंड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक थीम का ऑप्शन है, थीम हम इसकी चेक कर सकते हैं। फिर इसी के बाद हम इसको रीसेट कर सकते हैं इसी ऑप्शन से। फिर हम ये QR कोड, यहाँ से भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम शट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऑफ कर, मतलब रीसेट वगैरह। फिर हम आगे जाएंगे, इसके ऊपर हम जब क्लिक करके रखेंगे तो ये थीम चेंज हो जाती है। इसके अंदर टोटल इस वक्त दो थीम है, लेकिन हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। हम इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो है हैरीफाइन। ये इसकी एप्लीकेशन है, हैरीफाइन एप्लीकेशन। इस हैरीफाइन एप्लीकेशन के थ्रू ये कनेक्ट होती है। हम इस हैरीफाइन एप्लीकेशन में जाएंगे, और जाने के बाद हम जब हैरीफाइन एप्लीकेशन में गए, ये हमारी हैरीफाइन एप्लीकेशन है, और हम इस हैरीफाइन एप्लीकेशन से इसे कनेक्ट करेंगे। जब हम हैरीफाइन एप्लीकेशन से इसे कनेक्ट कर लिया, फिर हम उसके बाद इसमें जाते हैं ये डायल मैनेजमेंट में। डायल मैनेजमेंट में जाके हम यहाँ एडिट करके सिलेक्ट इमेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं फ्रंट के, ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहे हैं इसके, ये कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। स्टेप काउंट वगैरह की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं। फिर हम सिलेक्ट इमेजेस में जाके हम यहाँ से कोई सी भी इमेज इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पर अभी ये वाली पिक लगाना चाहते हैं, ये अगर हम इसके ऊपर पिक लगाते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
क्लिक करके हम इसके ऊपर ये जाके हम इसका डायल कलर वाला चेंज कर सकते हैं। हमने इसको रेड या कोई भी एक्स वाई जेड, या हमने मल्टी कलर्स के अंदर, ये सारे कलर्स का ऑप्शन है इसके अंदर, हमने इसको येलो कलर दे दिया या रेड कलर दे दिया, तो हम जब इसको सेव का ऑप्शन देंगे तो ये हम इधर सेव कर देंगे। सेव होने के बाद अब ये इसमें लगना शुरू हो जाएगी पिक। ये जब फुल ये डाउनलोडिंग का निशान आ गया इसके ऊपर, आप ये देख सकते हैं, और ये अब पिक इसके अंदर लग जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर कोई टोटल मेरे ख्याल में 12 डिस्प्ले हैं। अब ये जो पिक है ये आप देख सकते हैं, ये इसमें सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ हमने सेव कर दिया इसको, सेव करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक करके रखा, ये पिक इसमें लग गई है ये आपके सामने। हम इसके डायल भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम यहाँ से डिवाइस वगैरह है, अबाउट वगैरह है, इसके अंदर डायल मैनेजमेंट में काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। फिर ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हम यहाँ से एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, डेटा की एप्लीकेशन, हेल्थ एक्टिविटीज़ वगैरह, ये हम सारी ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके सामने हैं सारे फंक्शंस वगैरह, डायल मैनेजमेंट, बैकग्राउंड, परमिशन सेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें। हम यहाँ से इसको जाएंगे और ये ब्लड प्रेशर वगैरह ये हम आपको बता चुके हैं। ये हमने लुकिंग फॉर किया तो ये हमारा मोबाइल फाउंड हो गया है ये आपके सामने। ये आगे मोबाइल के ऊपर इसने नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिए कि हैरी फाइन आपको लुकिंग फाइन कर। ये जब हमारा मोबाइल, हम इसको ये फ़ोन फाउंड, फिर ये इसके बाद कनेक्ट हो जाता है ये यहाँ से, और इसके सारे हम सेटिंग वगैरह सब चीज़ें खोल सकते हैं। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। ये आप इसके अंदर देखें, ये हमने इसको बैक किया और फुल बैक गए और ये इसका डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले आने के बाद ये आपके सामने है इसका लुक और इसके बेल्ट वगैरह। जब हम इसको राइज टू वेकअप करेंगे तो ये ऑन हो जाती है, आपके सामने है। आपसे गुजारिश है हमारा यूट्यूब का चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।